वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एआर रहमान सैफी और आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शेफीजी कॉलेज में मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पे यूथ फेस्टिवल 2024 का चल रहा है। यहाँ पे जितने युवा छात्र हैं उन सब का एक हुनर यानी टैलेंट दिखाने का एक अच्छा मौका है। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि यहाँ पे आज दूसरा दिन है यूथ फेस्टिवल का और यहाँ पे अलग अलग तरह के जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो गए, मेहंदी का हो गया, जो ऐसे रस्में हो गई, वो सारे प्रकार सारे प्रोग्राम एक के बाद एक शेड्यूल के बाद तय हैं और ये प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं। हम आपको बता दें, शुरू करने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के प्रशासन ने किस तरह से, कॉलेज का जो भी प्रशासन है यहाँ पे, जिस तरह से मैनेजमेंट पूरा किया है और दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज हम आपको एक के बाद एक हम आपको दिखाएंगे। सर, ये शियार्ड चल रहा है यहाँ और 100 साल पुराना स्कूल है और आप लंदन से यहाँ आए हैं, आपकी भी यादें यहाँ जुड़ी हुई होंगी। आप यहाँ पर बैटबाजी के मुकाबले में जज की पोजीशन में आए थे, कैसा पा रहे हैं हम यहाँ पर? और पुराना स्कूल है, फेस्टिवल हो रहा है और आप जज की हैसियत से आ रहे हैं आज, इतने पुराने हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर? यकीनन एक एक्साइटमेंट है, एक अजीब सी कैफियत अंदर है जिसको हम पूरी तरीके से मुकम्मल इजहार नहीं कर सकते। कहते कि जैसे कि कोई नशे में हो, उस तरह वो उस तरह का कुछ जहन में है और बहुत खूबसूरत लोगों ने अशार पढ़े। और ये सबसे बड़ी बात कि हमको आपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, बुलाया, इतना तो हमारा कोई वो नहीं है सर्किल पर। बहरहाल बहुत अच्छा था और ये कॉलेज बिल्कुल बदला हुआ, इतना खूबसूरत, हर पूरी बिल्डिंग जितनी देखने में लग रही है, मैं कह नहीं सकता ये 100 साल पुराना, मुझे तो मॉडर्न कॉलेज लग रहा है। हाँ, इसमें जिस तरीके से इसको सेटअप किया गया है बिल्कुल मॉडर्न लग रहा है। और जितनी तकरीब की, सब टीचर वगैरह सब बड़े सब कॉम्पिटेंट थे और मतलब बच्चे भी बहुत बहुत वेल थे अपनी अपने सब्जेक्ट से। और मतलब कोई हारने को तैयार नहीं था, सबसे बड़ी बात थी कोई हारने को तैयार नहीं था। हमारे मैनेजमेंट की ख्वाहिश यह है कि लखनऊ का कल्चर ऊपर लाएं, इसीलिए जो हमारा पुराना कल्चर था, अभी जैसे मेहंदी का कॉम्पिटिशन है और लिबास का कॉम्पिटिशन है, बैतबाजी का कॉम्पिटिशन है, सारे कॉम्पिटिशन, आपको लगता है कि लखनऊ का पुराना कल्चर यहाँ नज़र आ रहा है? कल्चर तो नज़र आ रहा है लेकिन ये कुछ माहौल कुछ मॉडर्न और उसका मिक्स लग रहा है, मिंगल हो गया लग रहा है, पुराना और नया कुछ मिंगल। हम कुछ ऐसी जगह आ गए हैं जो जमीन आसमान के बीच में अलग कुछ, यानी पहली पुरानी चीजें नए रंग में, नए रंग में बिल्कुल। वाह वाह, यानी नई बोतल में पुरानी शराब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये शेफीजी कॉलेज कैंपस की कैंटीन का पूरा इलाका है और यहाँ पे ये सीधा रास्ता आप देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाता है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने शेफीजी कॉलेज से पास आउट किया है अच्छे नंबरों से और आज वो इन तस्वीरों के साथ और अपने औहदों के साथ आज यहाँ पे शेफीजी कॉलेज की दीवारों पर टंगे हुए हैं और इस चीज़ की तारीख भी गवाह रहेगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लिखा हुआ है कि वो सुबह हम ही से आएगी, का मतलब है छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हम छात्रों से भी बातचीत जरूर करेंगे। जी, मेरा नाम प्रांजल सिंह है, मैं शेफीजी कॉलेज का छात्र हूँ और मैं बीएससी बायोलॉजी कर रहा हूँ। और मैं इसमें जो हमारा कोड पीछे लिखा हुआ है कि वो सुबह हम ही से आएगी, इसका मतलब ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनका जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन का है। जब हमारी युवा पीढ़ी और हमारे जो यंगस्टर हैं, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, वो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उतना जल्दी हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। और वो सुबह हम ही से आएगी, इसका मेन मोटिव यही है। और जितना ज़्यादा हम पढ़ने लिखने में अच्छे रहेंगे, सोशली एक्टिव रहेंगे, वैसे वैसे जितना पढ़ने में अच्छे बच्चे रहेंगे उसी हिसाब से वो पॉलिटिक्स में आएंगे और उसी हिसाब से वो आईएएस पीसीएस आगे चल के अपने देश को सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद। और देश की
जी, मेरा नाम फौजिया खान है और मैं एशिया कॉलेज में पढ़ती हूँ। बीए सेकंड ईयर है मेरा। कल मैंने फेस्टिवल अटेंड किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और जो लखनऊ वाकियात लखनऊ पे जो थीम थी वो भी बहुत बढ़िया थी। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया। थैंक यू। पूर्वी हिस्सा आप देख रहे हैं। पूर्वी हिस्से में दरअसल आपको बता दें कि शिया पीजी कॉलेज के छात्रों के लिए बैठने का, खाने पीने का सारा इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप पश्चिमी दिशा की तरफ देखेंगे तो शिया पीजी इंटर कॉलेज है जहाँ पे 10th और 12th के बच्चों का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। अब देखिएगा कि एक समय ऐसा था जब शिया पीजी कॉलेज के कैंपस इस हिस्से में सिर्फ खोखली दीवारें हुआ करती थी और आज छात्रों के लिए पढ़ने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिया पीजी कॉलेज के प्रशासन ने इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनका पूरा एक अहम रोल भी अदा किया जाता है और यहाँ पे सब्जेक्ट को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि छात्रों को और ज़्यादा सीखने का मौका मिले। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम अक्षत और मैं यहाँ पर बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशंस। ये हमारे शिया कॉलेज का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है जो कि जनवरी फरवरी मार्च के बीच में कराया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि देखिए आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उधर आप देखिए, उधर देखिए, वहाँ पे जैमिंग हो रही है, सभी लोग जैमिंग कर रहे हैं। और पीछे अपना शिया कॉलेज है जितना सजा हुआ। नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद हमजा अली अंसारी है। मेरा नाम सयाद अहमद है। मैं शिया पीजी कॉलेज से बीकॉम स्टूडेंट हूँ। मैं शिया पीजी कॉलेज से बीजेएमसी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। हमारा आज का नुक्कड़ का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसे फेस करता है बट वो कभी बता नहीं पाता। तो हम अपने नुक्कड़ के माध्यम से इन सब जरूरत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदाब, मेरा नाम शाहरुख खान है। मैं शिया पीजी कॉलेज से बीकॉम कर रहा हूँ। मैं सिक्स सेमेस्टर में हूँ और हमारे कॉलेज में जो यूथ फेस्ट हुआ है 5-6 मार्च को, जिसमें से हमारे डे वन डे टू में प्रोग्राम्स हुए काफ़ी सारे, जिसमें डे वन के प्रोग्राम्स हमारे रहे फोटोग्राफी, मिशल आर्ट, डिबेट, फिल्म रिव्यू, एक्सटेम्पोर और आज मेकिंग और भी काफ़ी सारे हुए। जैसे हमारे डे टू के जो प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें से हमारा गज़ल रहा है, मेहंदी रहा है और पोइट्री राइटिंग हुई, पोर्ट्रेट रहा है और भी काफ़ी सारे रहे हैं, जैसे सेल्फी कॉन्टेस्ट रहा है और कार्ड मेकिंग रहा है। और हमें जो हमारा ये प्रोग्राम आरंभ किया है कल्चर कम्युनिटी वालों ने किया है। हेलो, माय नेम इज़ सानिया। मैं शिया कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूँ और मैंने अभी लास्ट मंथ अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है कीवी के नाम से। So we make handmade lip glosses and lip and cheek tints. हम लोग एक स्किन केयर ब्रांड बनाना चाहते हैं। ये टेस्टर्स हैं आज के स्टॉल के लिए, वी आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। और ये हमारा हॉट चॉकलेट ब्राउन ग्लॉस है, ये हमारा गार्नेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ग्लॉस है, ये रोज टिंट है, ये क्लियर क्रिस्टल क्लियर लिप ग्लॉस है। वी ऑल्सो हैव अ कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस, इट चेंजेस कलर व्हेन इट टचेस योर स्किन। हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रियांश यादव और आज हम लगाए हैं स्टॉल जो कि है, मेरा ब्रांड है यूनी आर्टिस्टर के और हमने यूनी क्राफ्ट्स के ऊपर एक ब्रांड बनाया है जो कि आप इन क्राफ्ट्स के बारे में जान सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इनके बारे में स्टिकर्स की जो कि प्रिंटेबल है लेकिन अलग अलग डिजाइन के जो ट्रेंडिंग चलते हैं उनके ऊपर हमने पर्पज़ दिया है। हमारा कप हैंडमेड, ठीक है, इससे क्या है आप हैंडमेड चीज़ें
कोई भी आप डिज़ाइन अपने पापा मम्मी या फिर किसी के लिए भी, बहनों के लिए भी आप ये डिज़ाइन रेडी करवा सकते हैं। मेरा नाम अली हाशमी है, मैं LLB का यहाँ पर स्टूडेंट, और यहाँ पर ये यूथ फेस्टिवल 2 दिन का चल रहा है जिसका आज लास्ट डे है। द हिंदुस्तान गजट की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले बता दें कि 2 दिन के हुए फेस्टिवल में आज आपको CIPG कॉलेज के पूरे कैंपस के बारे में बता दिया गया है। इस कैंपस की खूबसूरती, यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और यहाँ के सजी हुई सारे जो भी स्टॉल वगैरह थे उसको डिटेल से विस्तार से बता दिया गया है। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।